हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्स आप लोगों के बहुत ही जल्द होने वाले हैं और एग्जाम्स होंगे ही क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू आपका एडमिशन प्रोसेस किया जा सके लास्ट ईयर भी सिचुएशन बहुत ख़राब थी लेकिन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए थे तो इस ईयर भी आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोग के एग्ज़ाम्स हंड्रेड परसेंट होंगे ही होंगे साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कंप्लीट सिलेबस भी मैंने अपलोड किया है और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्पेशल सिलेबस भी अलग से मैंने अपलोड कर दिया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप लोग उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे मैंने एग्जाम पैटर्न को पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है और इन्हीं पॉइंट से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे साथ ही साथ बाद में जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जो ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी जिससे आपको ये श्योर हो जाए कि जो एग्ज़ाम पैटर्न मैं बता रही हूँ वो एकदम करेक्ट है तो देख लेते हैं फर्स्ट है आपका एग्ज़ाम मोड एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑफलाइन होगा पेन पेपर बेस्ड मतलब आपको एक ओ शीट दी जाएगी ठीक है और बुकलेट दी जाएगी उससे आपको करेक्ट आंसर फिल करना है अपनी ओ शीट पे नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स आपके दो पेपर्स होंगे यहाँ पे फर्स्ट पेपर आपका जनरल नॉलेज का होगा और दूसरा आपका होगा लैंग्वेज का लैंग्वेज में आपका हिंदी एंड इंग्लिश आएगा सेकेंड पेपर आपका जो होगा वो जर्नल एप्टीट्यूड और जर्नल एबिलिटी का होगा सॉरी सब्जेक्ट एबिलिटी का होगा सब्जेक्ट एबिलिटी जो आपका सब्जेक्ट है वो आर्ट्स uh, हो गया साइंस हो गया या कॉमर्स जो भी आपका सब्जेक्ट है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टाइप्स। क्वेश्चन टाइप आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पता है एम सी बेस कह सकते हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा उसके चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके ओ एम आर शीट पर फिल करना है नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन टू होंगे हर सेक्शन में जो क्वेश्चन होंगे वो फिफ्टी क्वेश्चन होंगे सेक्शन वन में भी फिफ्टी होंगे टू में थ्री में और फोर में सब में फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन होंगे और इन्हीं को फोर सेक्शंस हैं फोर सेक्शन को हम मिलाएंगे अगर तो ये हमारा हो जाएगा टू हंड्रेड क्वेश्चन ठीक है अगर मैं सेक्शन की बात कर लूँ तो सेक्शन वन आपका हो जाएगा जनरल नॉलेज का सेक्शन टू आपका हो जाएगा लैंग्वेज का सेक्शन थ्री होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड एंड सेक्शन फोर आपका सब्जेक्ट एबिलिटी तो ये सारे फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अगर मैं बात करूँ मार्क्स की तो आपके टोटल क्वेश्चन फोर मार्क्स के होंगे जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आपका एक क्वेश्चन टू मार्क्स का होगा तो अगर आपके यहाँ पे फिफ्टी क्वेश्चन हो रहे हैं एक सेक्शन में तो फिफ्टी को अगर हम टू से डिवाइड करेंगे तो हंड्रेड बनेगा इसी तरीके से हमारे पास फोर सेक्शन है तो फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर हंड्रेड बनेगा तो इसलिए हमारा जो पेपर होगा वो पूरा फोर हंड्रेड मार्क्स का होगा अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग आपकी हर रॉन्ग क्वेश्चन पे एक बटा तीन की होगी ठीक है अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो उस पर वन पॉइंट थ्री की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर बात करते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन की तो जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो टू आवर्स का होगा और जो सेकेंड पेपर होगा वो भी टू आवर्स का होगा और इन दोनों पेपर के बीच में आपको कुछ गैप दिया जाएगा एक ब्रेक टाइम का जिसको जिसमें आप अपना लंच कर सकते हो या जो भी आपको नेक्स्ट पेपर का प्रिपेयर करना है आप वो कर सकते हैं एक बात मैं आपको और बता देती हूँ अभी जो 2020 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था या जो उससे पहले हुआ था उसमें जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन था वो थ्री आवर्स का पर पेपर था मतलब जो वन पेपर था वो थ्री आर्स का था और जो सेकेंड पेपर था वो भी आपका थ्री आवर्स का था तो टोटल मिला के आपको सिक्स आवर का आपका पेपर होता था लेकिन इस बार की नोटिफिकेशन में मैंने देखा है कि जो आपका पेपर है वो फोर आर्स का है मतलब पेपर वन टू आवर्स का एंड पेपर टू आपका वो भी टू आवर्स का ही है तो अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस जब दिखाऊंगी तो उसमें मैं 2020 का भी जो पैटर्न है वो भी लगा दूंगी तो आप उसमें देख लेना तो जो एग्ज़ाम था वो सिक्स आवर्स का होता था लेकिन अभी इस बार मैंने देखा कि ये फोर आवर्स का है तो कुछ वीडियोज आपको मिलेंगी यूट्यूब पर जिसमें अभी भी थ्री आवर का ही दिखाया जा रहा होगा और इवन गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपको थ्री आवर्स का ही दिखाया जाएगा टोटल सिक्स आवर्स का पेपर दिखाया जाएगा लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके ऑफिशियल जो नोटिस आई हुई है लखनऊ यूनिवर्सिटी से उसमें आपके पेपर में जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो फोर आवर्स का दिया हुआ है मतलब एक पेपर में आपको टू आवर्स का ही टाइम मिलेगा तो ये चीज़ थोड़ा चेंज आया हुआ है तो इसको अपने ध्यान में रखिएगा लास्ट में बात कर लेती हूँ एग्जाम लैंग्वेज की तो जो पेपर होगा वो आपका दोनों में होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों के लिए अलग से पेपर आएगा और इंग्लिश वालों के लिए अलग से पेपर आएगा एक की पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे ओके आई होप आपको ये एग्जाम पैटर्न जो है वो समझ में आ गया क्लियर हो गया होगा आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूंगी तो जैसा मैंने बोला था कि मैं अभी आपको लास्ट में ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगी टू वाले एग्जाम पैटर्न की और टू वाले एग्जाम पैटर्न की तो यहां पर है यह आपका टू का एग्जाम पैटर्न है और ये आपका टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का है आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मैंशन है और यहाँ पे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से 2023 टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का मैंशन है यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको सारा जो भी पैटर्न है वो सिमिलर दिखाई देगा दोनों ईयर में लेकिन आप यहाँ अगर कुल समय में देखते हो कुल समय मीन्स आपका टाइम तो जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपको ट्वेंटी ट्वेंटी में देखने को मिलेगी थ्री आर्स की तीन घंटे की और जो अभी 2021 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपको ये दो घंटे लेके मिल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग प्रिपेयर होके जाइएगा अगर आपको किसी भी वीडियो में ये देखने को मिलता है कि तीन घंटे का पेपर है तो प्लीज़ एक बार आप अपना ऑफिशियल नोटिस भी चेक कर लीजिएगा कोई भी वीडियो देखिए ज़रूर देखिए आपको हेल्पफुल होगा लेकिन एक बार जो ऑफिशियल नोटिस है उसको ज़रूर चेक कर लिया करिए क्योंकि कभी कभी होता है कि बाय मिस्टेक चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ सेम है और किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं है तो फिर आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं उनको सॉल्व करते रहिए और हाँ चाहें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको पीडीएफ और पेपर्स मिल जाएंगे So best of luck for your examination.